ये आम जनता की हानि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गैंग का जो मेन सरगना है वो मुकेश सरोज है। अभी फिलहाल मुकेश सरोज फरार है। इन 7 से जो इंटरोगेशन में पता चला है कि अंतर जनपदीय गैंग है। इसमें 5 लोग प्रतापगढ़ के हैं, 2 लोग अमेठी के हैं। इसमें कुल 7 घटनाओं का नारण हुआ, जिसमें 5 घटनाएं प्रतापगढ़ की, 2 घटनाएं अमेठी की हैं। इसे 4 तमंचे, 18 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इन्होंने बताया कि ये कोशिश ये करते थे कि जिस समय पुलिस की प्रेजेंस रोड पर कम रहती है, जैसे रात में 2 से 3 या 3 से 4 के बीच में, उस समय ये लोग अपने घरों से निकलते थे मोटरसाइकिलों पर और जो भी मंडी से आने जाने वाले जो व्यापारी थे उनको टारगेट करते थे। क्योंकि मंडी का समय उस समय रात के 2:30 बजे से मेरे 5 बजे तक था और उनको टारगेट करके उनसे जो भी उनके पास पैसा था, जैसे 5,000 रुपये हैं, 4,000 रुपये, कई जगह पर तो उन्होंने जो उनकी सब्जी थी उसको भी लूट लिया। इस पर कार्रवाई जो हुई है, इससे इस रूट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और साथ में मंडी का समय भी परिवर्तित करते हुए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया। और इसमें जो मुकेश सरोज है इसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है और जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की। कितना इनाम? 25,000। इसमें नाबालिग कौन से लोग हैं? इसमें अभी जो पता चला है इसमें सब 18 वर्ष के लोग उम्र है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।